वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। तो आप लोग आज इस वीडियो को देख रहे हो और कल रक्षाबंधन है, तो वेरी वेरी हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। मे द बॉन्ड बिटवीन योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लास्ट फॉर एवर। तो कल का दिन हम सबके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, फॉर एवरी सिस्टर एंड एवरी ब्रदर, एंड आई एम श्योर आप सब लोग कल के लिए बहुत एक्साइटेड हो गए, मैं तो हूँ। तो आज की वीडियो में मैं रक्षाबंधन मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ। आप चाहें तो आप भी इस लुक को कल क्रिएट कर सकते हैं, एंड आई होप यू ऑल हैव अ ग्रेट डे टुमारो। तो अब मेकअप शुरू करने से पहले, अगर आप मेरी वीडियोज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हाई माई में सोने मिश्रा, आई पोस्ट ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल कंटेंट हियर ऑन यूट्यूब ट्वाइस एवरी वीक। सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू माय चैनल डाउन बिलो, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल राइट नेक्स्ट टू इट, सो दैट एवरी टाइम आई अपलोड अ वीडियो यू गेट नोटिफाइड। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर ब्लैबरिंग, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। ओके, तो मैं ऑलरेडी अपनी स्किन और लिप्स मॉइस्चराइज कर चुकी हूँ, तो सबसे पहले आई विल गो इन विद द प्राइमर, एंड फॉर प्राइमर आज मैं ले रही हूँ इनसाइट मेकअप एसेंशियल्स प्राइमर 3-in-1। मैं इसे अपने फिंगर्स में रब करूंगी और मैं इसे अपने टी जोन पे अप्लाई करूंगी, रबिंग इट थ्रू माय फेस। तो नेक्स्ट मैं फाउंडेशन लगाऊंगी, आप चाहें तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। सो आई विल अप्लाई अ वेरी वेरी लाइट लेयर ऑफ फाउंडेशन। आप चाहें तो इस स्टेप में बीबी क्रीम या सीसी क्रीम भी यूज कर सकते हैं इफ यू डोंट वांट फाउंडेशन। अब मैं एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी, या कंसीलर स्पंज की मदद से ब्लेंड कर रहे हैं तो आप ड्राई स्पंज यूज ना करें। तो अब जो मेरे ब्लेमिशेस और मार्क्स हैं उन्हें मैं कंसील करूंगी यूजिंग द एल्फ 16R कैमो कंसीलर मैट फिनिश। ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैं यूज कर रही हूँ मैं इन सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी विद द शेड नंबर्स दैट आई एम यूजिंग, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यू कैन चेक द लिंक्स आउट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब मैं इस कंसीलर को ब्लेंड करूंगी यूजिंग माय कंसीलर ब्रश, और जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसे मैं बाहर की तरफ ड्रैग करूंगी सो दैट इट गिव्स मी अ लिफ्टेड लुक। ओके, ये कंसीलर बहुत जल्दी सेट हो रहा है तो आई विल हैव टू वर्क वेरी फास्ट विद इट। आई थिंक ब्लेंडर यूज करना पड़ेगा। अगर आप इस कंसीलर को यूज कर रहे हैं तो आप इसको थोड़ा थोड़ा करके लगाएं और तुरंत के तुरंत इसे ब्लेंड करें, अदरवाइज ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो जहां जहां भी मुझे एक्स्ट्रा कवरेज चाहिए था मैंने ये कंसीलर लगा लिया, एंड आई रियली लाइक दिस कंसीलर। तो अब मैं अपने अंडर आईज को सेट करूंगी यूजिंग द फिट मी कॉम्पैक्ट। मैं बेकिंग या कुछ नहीं कर रही हूँ, बस लाइटली डैबिंग द पाउडर ओवर द कंसीलर, ताकि वैसे मुझे लगता तो नहीं है कि ये क्रीज करेगा क्योंकि ऑलरेडी सेट हो गया है, बट जस्ट इन केस। तो सबसे पहले मैं आईब्राउज करूंगी, एंड फॉर आईब्राउज आई एम यूजिंग दिस शुगर आर्च अराइवल ब्राउ डिफाइनर। इसमें एक साइड स्पूली है तो उसकी मदद से आई विल टेम माय आईब्राउ हेयर, और अब मैं इसी पेंसिल से इनको फिल करूंगी। और मुझे थोड़ा सा नेचुरल लुक चाहिए था इसीलिए आई एम गोइंग इन विद दिस पेंसिल, बहुत ज़्यादा फिल नहीं करूँगी, जस्ट द लिटिल बिट ऑफ गैप्स दैट आई हैव। नाउ मूविंग ऑन टू द आई शेडो। तो सबसे पहले मैं ये शेड लूंगी, ऑफ व्हाइट शेड है, पुट इट ऑल ओवर माई लिड्स जस्ट टू इवन आउट माई आई लिड्स। अब मैं ये लाइट ग्रीन शेड लूंगी वेरी लाइटली ऑन अ ब्लेंडिंग ब्रश, और अब मैं इसे अपनी क्रीज के ऊपर प्लेस करूंगी टू गिव इट अ ट्रांजिशन। ग्रीन वैसे भी बहुत ज़्यादा बोल्ड ड्रामेटिक लगता है, अगर ज़्यादा ग्रीन ग्रीन हो गया तो फिर मैं मिसेस हल्क लगने लग जाऊँगी रक्षाबंधन के दिन, एंड आई डोंट वांट दैट। तो अब ये ट्रांजिशन शेड मैंने लगा लिया है, आप देख सकते हो बहुत लाइटली लगाया है। डार्क ऑलिव ग्रीन शेड लूंगी, हल्का सा लूंगी अपने ब्रश पे, डैबिंग ऑफ द एक्सेस, और मैं इसे सिर्फ और सिर्फ अपनी क्रीज पे प्लेस करूंगी जस्ट टू डार्कन अप माई क्रीज। अब वही सेम ब्लेंडिंग ब्रश यूज करके आई विल जस्ट डिफ्यूज इट अ लिटिल ताकि कोई हार्श लाइंस ना रहे। नाउ अगेन टेकिंग द सेम लाइट ग्रीन शेड, और इसे मैं अपने आउटर और इनर कॉर्नर में प्लेस करके हल्का सा ब्लेंड करूंगी विद माई क्रीज।
आपका जो भी कलर का आउटफिट है आप ये लुक किसी भी कलर के साथ क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही लाइट है बट इतनी ही इंटेंसिटी मुझे चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। तो अब मैं इसी पैलेट में से ये लाइट ग्रीन शिमर शेड लूंगी थोड़ा सा और मैं इसे अपने लिड में सेंटर में प्लेस करूंगी। वाओ, मैं इसी पैलेट में से ये गोल्डन शेड भी लूंगी और इसी ग्रीन शिमर के ऊपर थोड़ा सा और प्लेस कर दूंगी। तो मैंने सिर्फ सेंटर में ही शिमर लगाया है और ऊपर क्रीज तक मैं लेके गई हूँ। अब मैं वही सेम ब्लेंडिंग ब्रश लेके आई विल ब्लेंड द क्रीज, डिफ्यूज इट आउट ताकि कोई हार्श लाइंस ना रहे, एंड वोला द लुक इज डन। अब मैं यही सेम फटाफट से अपनी दूसरी आई में भी कर लेती हूँ। तो अब मेरा आई शेडो हो गया है। Now I am planning to go on with the wing liner today, maybe. Let's see. Wing liner के लिए I'm never sure. I'll just take the liner and अगर wing बन गया तो बन गया, नहीं बना तो देखते हैं जो भी होगा। For liner I'm using this e.l.f. Intense Ink Liner. This is the best I could do. अब मैं यही जो light green shade था उसको थोड़ा सा अपने lower lash line पे भी blend कर लूंगी so that my look is complete. Lashes में mascara apply कर लेती हूँ। Mascara के लिए I'm taking the Wonder Lash XXL the one mascara waterproof something from Oriflame. This is. मैं ये apply कर लेती हूँ। तो मैं इस कोट को dry होने दूंगी before applying the next coat. Lower lashes पे भी mascara लगा लेती हूँ। आईज हो गई हैं एंड दे आर लुकिंग प्रिटी गुड। अब क्योंकि मैं इंडियन लुक कर रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ मैं काजल भी लगा लेती हूँ। मैं जनरली अपनी वाटर लाइन पर काजल लगाती नहीं हूँ। आई एम यूजिंग दिस शैम्बोर स्टे ऑन प्लस वाटर प्रूफ कोल एंड आई मस्ट से दिस इज अ रियली ग्रेट काजल पेंसिल। तो मेरी आईज पूरी कम्प्लीट हो गई है। मैंने जैसे बोला मैं फेक लैशेज आज नहीं लगाने वाली हूँ। अब मैं अपना रिमेनिंग बेस कम्प्लीट करूंगी। तो सबसे पहले मैं शुगर को कॉन्ट्रोल डे फोर्स फेस पैलेट लेके आई विल टेक द ब्राउन शेड ऑन माई ब्रश एंड आई विल लाइटली ब्रॉन्ज माई फेस विद इट, अगेन कीपिंग इट वेरी वेरी सटल। अब आई विल अप्लाई ब्लश टू माई चीक्स एंड फॉर द ब्लश टूडे आई एम टेकिंग दिस वेट एंड वाइड आइकन ब्लश इन द शेड मेलो वाइन। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग दिस ब्लश। आई डोंट नो अबाउट द पिगमेंटेशन। ओ इट इज hell pigmented. Oh my god, I think this is my new favorite. What a beautiful pigment it has. The color is so beautiful and it is absolutely matte. I mean I love this blush. मैं now for the highlighter again मैं sugar के face palette में से ही highlighter ले रही हूँ। फटाफट से अपना मेकअप फिक्स कर लूंगी यूजिंग माई फेसेस कैनेडा अल्टाइम प्रो मेकअप फिक्सर। नाउ आई लेट इट ड्राई एंड व्हाइल इट इज ड्राइंग मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ। सो फॉर द लिपस्टिक आई एम यूजिंग दिस माई ग्लैम लिट क्रीमी मैट लिपस्टिक। नॉट अप्लाइंग अ लॉट बिकॉज आई वॉन्ट द आईज टू पॉप आउट मोर। I think my makeup look is complete now and it looks really pretty. What do you think? तो मैं फटाफट से accessories और दुपट्टा add कर लेती हूँ to give it a more Indian touch and then I'll show you the final result. Okay, so this is my final look and I am actually liking it a lot. My base has turned out really, really good. And this makeup fixer has given it a very beautiful dewy finish. मेरे को overall ये look बहुत पसंद आया। आप मुझे comment करके बताएं कि आपको ये look कैसा लगा। So with this I will end today's video. I hope आपको आज की video अच्छी लगी हो और अगर आपको पसंद आई तो please like का button दबाएं और अगर आपने मेरे channel पे अभी तक subscribe नहीं किया है तो please कर दीजिए। नीचे red button है click on that, उसी के side में एक bell button है उस पर भी click करना ताकि जब भी मैं कोई video upload करूँ आपको notification ज़रूर मिले। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और मेकअप लुक करूं या कोई और वीडियो तो आप उसे भी जरूर कमेंट में लिखें। आई विल सी यू सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी। बाय बाय।